तो फ्रेंड्स आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलिए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने मंत्रा या फिंगरप्रिंट डिवाइस को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पर और वहां से आप मंत्रा का प्रोग्राम फाइल डाउनलोड करेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे मंत्रा सर्च, गूगल गूगल में सर्च करने के लिए लिखेंगे मंत्रा आरडी सर्विस। क्लिक करने के बाद से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है मंत्रा का, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आप कैप्चा फिलअप करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए आप यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड MFS 100 RD सर्विस, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों वर्जन आपको काम कर जाएगा, जो यहाँ से विंडोज 7, 8 और 10 सब तीनों के लिए एक साथ आप काम कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद से आप यहां से मंत्रा का क्लाइंट सर्विस आप डाउनलोड करेंगे। देखिए यहां पे ये रहा डाउनलोड क्लाइंट सर्विस, इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद से आपको आना है आरडी टेस्ट पे। जैसे हमारे पास हम डाउनलोड कर चुके हैं, हम इसको इंस्टॉल करके हम बताते हैं आपको कैसे आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप ये रहा ये मंत्रा का आरडी डिवाइस आरडी सर्विस, यहाँ से मैं आपको डाउनलोड करता हूँ, यह इंस्टॉल करना हो इंस्टॉल करने की इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर फिर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद से आपका इंस्टॉलेशन होगा, आपके बायोस में सिस्टम रजिस्टर होगा, होने के बाद फिनिश कर देना है। फिर दूसरा जो फाइल आप यहाँ क्लाइंट सर्विस पर था वो आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऐसे जितने भी फाइल हैं आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंस्टॉल करने के क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपका टेस्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका टेस्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप टेस्ट पेज पे यहाँ जब आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस जब आप अपने सिस्टम पे लगाएंगे तो वहाँ पे लगाने के बाद से आप यहाँ कैप्चर पर क्लिक करेंगे। कैप्चर पर क्लिक करने के बाद आपके मंत्रा डिवाइस पर लाइट जल जाता है, नहीं डलता है तो फिर से आप एक बार जो लास्ट का एक स्टेप बचा हुआ है जो क्लाइंट वाला ये ड्राइवर का आपका जो फुली डाउनलोड किया हुआ है इसको आपको जो डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद से यहाँ से आपका देखिए कैप्चा स्टार्ट, कैप्चर के क्लिक करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट का लाइट जल जाएगा और आपका फिंगरप्रिंट इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये रहा आपका कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों, कैसे आप अपने मंत्रा डिवाइस को या फिर कोई भी फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।